subscribe and click the bell icon for all the television updates. पापा के दरबार में आए क्या कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी पापा को, सबसे पहले कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में आया करती थी। स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ होते हुए घर जाती थी, और अब काफ़ी साल बाद आ रही हूँ। और बीच में मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं पास में रहती हूँ, यहाँ आने की, पर मैं काफ़ी रीजन्स की वजह से नहीं आ पाई, और फाइनली मैं यहाँ हूँ। तो ओके, क्या विश मांगी है पापा के दरबार में? विश ना मांगे ऐसी बात तो होती है, विश बताते नहीं है, मैं अपनी विश बताऊंगी नहीं, पर मैंने पापा से थैंक यू जरूर बोला है कि उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया सबके। तो बी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, 67 केक कट किए आपने, क्या कहना चाहेंगे? 67 नॉट 67, मैंने 72 केक्स कट किए, एंड थैंक यू सो मच। फैंस में क्या कहना चाहेंगे, जो इतने देखा जाए तो इतने गिफ्ट्स दे रहे, इतने सरप्राइजिंग एलिमेंट्स? मेरे काफ़ी सारे बर्थडे ऐसे गए हैं जिसमें मैंने केक्स कट भी नहीं किए, और ये बर्थडे 72 केक्स, मतलब 72 पहुँचने में मुझे भी बहुत साल है। मैं उसकी उल्टी उम्र की भी नहीं हूँ, आई एम नॉट इवन 27, और मैंने उससे ज़्यादा ही केक कट कर दिए, तो पता नहीं, मैं थोड़ी अलग लेवल की खुश रहती हूँ। ये उन दोनों की बातें कर उनकी बात करें तो किस तरह से चल रहा है शो, देखा जाए तो फिर शो तो काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, और आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है इस शो की वजह से, हम ये बोल सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस शो की वजह से ही मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। जो भी लोग मुझे जानते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो मेरे कैरेक्टर की वजह से, मेरे शो की वजह से, और पप्पा की कृपा है कि हमारा शो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और उनकी कृपा रहे कि शो ऐसा ही चलता रहे। और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट्स फुल कॉलेज ड्रामा, तब कैसे इलेक्शंस हुआ करते थे, अभी की तरह वो डिजिटल नहीं होते थे, तब चीटिंग भी हो जाती थी, तो वो सब कैसे होती थी, वो सब देखने लायक है। इसके क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? मेन राइटर होता है देखा जाए तो, फिर डायरेक्टर, तो फिर किसे कहना चाहेंगी सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप? एक्टर, क्योंकि बैक स्टेज भी होते हैं काफ़ी लोग। किसी भी एक इंसान को क्रेडिट दिया ही नहीं जा सकता, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, लाइटमैन हो, स्पॉट दादा हो, क्योंकि अगर एक भी बंदा वहाँ नहीं होगा, एक भी इंसान कम होगा ना, तो हमारा शो बन ही नहीं सकता, तो वो सबको मिलाकर ही शो कंप्लीट होता है। ओके, फाइनली फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं कहना चाहूँगी, आई लव यू गाइस सो मच, एंड जस्ट कीप लविंग मी।